सो नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के इस लेक्चर के अंदर। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक स्टूडेंट्स। और आज का टॉपिक जो है मेरे ख्याल से सब बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ बच्चे सबसे ज्यादा नंबर गवाते हैं। एक ऐसा टॉपिक है ये, और एक ऐसा यहाँ पे आपके लिए एक विषय है जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं आपको कौन सी उठा के एप्लीकेशन दे देता है, कहीं से कोई लेटर दे देता है और कहीं से कोई आपको रिपोर्ट दे देता है। और फिर बाद में आप लोग जब एग्जाम में बैठते हो तो आप लोगों का एक प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, बेसिकली 90% स्टूडेंट की जो आइडियोलॉजी होती है ना, 90% स्टूडेंट्स जो बेस्ड होते हैं वो चलते हैं क्रैम के बेस के ऊपर। किसके ऊपर है? क्रैमिंग के ऊपर चलते हैं। क्रैमिंग समझते हो क्या होती है? क्रैमिंग होती है यानी रटना किसी चीज को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई ये कहे राइट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, तो आप सिक लीव के लिए वही लाइन आई बैक टू से दैट, ठीक है, वही दो चार लाइन आपके दायरे तक जो सीमित है, जो आपने क्रैम कर रखी है वो तुरंत आप आउटपुट कर देंगे, डिलीवर कर देंगे। वैसे ही रिमिशन ऑफ फाइन, यानी ये दो चार जो आपके लिए मेन मेन थी जिनका आप तक ज्यादा वास्ता रहा है, जिनका आप तक ज्यादा संबंध रहा है, आप तुरंत वो लिख देते हो, यस या नो। एक एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखोगे, आप वही लिखोगे जो आपने याद कर रखी है। लेकिन एक्चुअल में आप 90% स्टूडेंट इसी कारण इस टॉपिक में सबसे ज्यादा नंबर गवाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बोर्ड की क्लास में अगर ये सेक्शन 20 मार्क्स का है, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं, जितने बच्चे भी देख रहे हैं और सीख रहे हैं, 20 बच्चों में 20 इन मार्क्स में से आप जो है यहाँ सबसे ज्यादा सफर करेंगे, सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। आप ये देखते हैं कहीं से कोई बात ही बन जाए, वो ये कैसा लेटर आ गया, ये कैसे लिखूं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, यस या नो। इवन दो यहाँ इस 20 मार्क्स में से आपके 50% मार्क्स तो कट ही कट जाते हैं, डिडक्ट हो ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ आर्ट नहीं पता, यहाँ आपको नहीं पता कैसे हम ड्राफ्ट करें अपने लेटर को, अपनी एप्लीकेशन को, अपने रिपोर्ट को, अपनी एडवर्टाइजमेंट को, इसी कारण आपके 50% मार्क्स यहाँ डिडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, यही मेन कारण है। तो अब जो है, अब ये राइटिंग स्किल्स एंड कंपोजिशन को सीखने के लिए और इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले एक चीज आप सबको क्लियर कर दूं, वो ये है कि क्रैमिंग का टॉपिक ये बच्चों नहीं है, ये क्रैमिंग का टॉपिक नहीं है, इसको आप क्रैम नहीं कर सकते। ये आप अपनी थिंकिंग से, आप अपनी डेवलपमेंट से, आप अपनी ड्राफ्टिंग तैयार करेंगे, यानी इसमें क्रैमिंग कामयाब नहीं है, ये क्रैमिंग का टॉपिक नहीं है। आप जो है अपनी थ्योरी को बदलिए, आप अपने दिमाग के माइंडसेट को बदलिए और अपने माइंडसेट को तैयार कीजिए। और कैसे तैयार कीजिए? थोड़ा क्रिएटिव हो जाइए। क्या होना है आपको? क्रिएटिव होना है, ठीक है। और जो बच्चा क्रिएटिव है ना, वो बच्चा यहां इसमें मार्क्स नहीं कटने देगा, क्लियर है। बहुत सारे बच्चों को एलर्जी है, जैसे एडवर्टाइजमेंट में आता है ऐसे बॉर्डर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चे कहेंगे सर मेरे से तो ये नहीं हो पाएगा, मुझे तो ड्राइंग नहीं आती। अरे मार्क्स लेने के लिए वो आपको करना पड़ता है, वहां ये क्रिएटिविटी का पार्ट है, ये आपकी राइटिंग स्किल्स एंड कंपोजिशन का पार्ट है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो माइंडसेट को कैसे बनाना है? क्रिएटिव बनाना है। माइंडसेट को कैसे बनाना है? क्रिएटिव बनाना है। दूसरे नंबर पर क्या करना है? आपको अपने थॉट्स, बहुत ज्यादा थॉट्स आपके दिमाग में होने चाहिए,
ठीक है, और थॉट कैसे जिस भी टॉपिक के ऊपर, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप ड्राफ्ट कर रहे हो, क्या ड्राफ्ट कर रहे हो, चाहे आप एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहे हो, आप लेटर ड्राफ्ट कर रहे हो, रिपोर्ट ड्राफ्ट कर रहे हो, जो टॉपिक है, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए टॉपिक ये है कि गांव के सरपंच को एक एप्लीकेशन लिखनी है, गांव में पानी की बहुत बुरी व्यवस्था है, टाइम से पानी नहीं आता, घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है प्राइमरी सोर्स वहां पर कंप्लेन का जो है सरपंच है, ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि जो कर रहा है वहां पे, तो उसको आप लिखेंगे तो सिचुएशन बेस्ड है, रे यस या नो, प्रैक्टिकल है। ये कैसा टॉपिक है बच्चों? ये टॉपिक प्रैक्टिकल है, ये टॉपिक प्रैक्टिकल है। लेकिन इस बच्चे इसको कैसे डील करते हैं, इस टॉपिक को इसको डील करते हैं लिटरेचर की तरह, समझ रहे हो? जैसे लिटरेचर में आपने किसी लेसन के क्वेश्चन आंसर लर्न कर लिए, वैसे ही आप इसको लर्न करके लिखना चाहते हो, क्रैम करके लिखना चाहते हो। एक्चुअल में ये ऐसा टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक प्योरली प्रैक्टिकल टॉपिक है। आया बात समझ में? ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, थोड़ा माइंड सेट को बदलना पड़ेगा, थोड़ा अपने अप्रोच के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। माइंड सेट कैसा बनाना पड़ेगा? थॉटफुल बनाना पड़ेगा। जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, क्या क्या आउटलाइंस होनी चाहिए दिमाग में? सरपंच को कंप्लेन लेटर लिख रहा हूं, ये दिक्कत है गांव में जी, पानी नहीं आता, इतने इतने दिन हो गए, ठीक है, आज तो घर में बसुरत पीने के लिए भी पानी नहीं है, घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, मैं कब ऑफिस जाऊं, कब काम करूं, हम पढ़ने वाले बच्चों को भी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है पानी के लिए, भारी शॉर्टेज है, भारी किल्लत है, तो यस या नो, ऐसी लाइन आपको इंग्लिश में लिखनी होगी, वहां हिंदी में आपको ऐसी लाइनें लिखनी होगी। मैंने बहुत सारे पढ़े लिखों को देखा है इस टॉपिक में सफर करते हुए, बहुत सारे पढ़े लिखे क्या कहेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल आप किसी ऑफिस में चले गए, जाना पड़ेगा आपको, अरे यस या नो, वो कहेंगे अच्छा ये काम चाहिए, फॉर एन एग्जाम्पल टीसी कटवानी है, टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं जिसको, एसएलसी कहते हैं आप अपनी आम बोलचाल की भाषा में, वो कहेंगे टीसी लेनी है, हाँ जी टीसी लेनी है, तो वे कहेंगे एक एप्लीकेशन लिख लो बेटा, ठीक है एक एप्लीकेशन लिख के लेके आओ, तो ये कहेंगे वो तो नहीं लिखने आती जी, ठीक है। और जिसमें आप 12th पास हैं, जिसमें आप 12th क्वालिफाइड हैं, आई बात समझ में, तो वहां आप क्या थे, वहां आप प्योर क्रैमिंग कर रहे थे, आपको एक सिचुएशन बेस्ड एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा गया और आपको कोई आइडिया दिमाग में नहीं है, प्रैक्टिकल है, यस या नो, सिचुएशन बेस्ड है, सिचुएशन क्या बन गई, कैसे थॉट्स लेके आओ, हाँ जी ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को लिखना है, ठीक है, और ये विषय है मेरा, और अब शुरू कर दूं नीचे, ठीक है, और शुरू करने के बाद अब क्या है, हाँ जी श्रीमान जी बात ये ऐसे है, मैं आपके यहाँ पढ़ता था, इस क्लास का विद्यार्थी हूँ वर्तमान में भी, और श्रीमान जी मेरे को कहीं जाना है, मेरे पिताजी की पोस्टिंग कहीं और हो गई, या मेरा मन जो है उब गया है स्कूल में पढ़ के, और मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता हूँ, किसी और स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ, सबको अपनी निजता की स्वतंत्रता का अधिकार है, यस या नो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम है आपको एजुकेशन की, आप कहीं पे भी पढ़िए, कोई पाबंदी नहीं है, और श्रीमान जी इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी टीसी जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट जल्द इश्यू कर दें, ताकि मैं दूसरी जगह जाके एडमिशन ले लूं, अरे यस या नो, बात तो इतनी सी थी, लेकिन इतनी बात के लिए भी आपने क्या किया, ये तो नहीं लिखनी आती थी, ठीक है आपने चक्कर काटे, बैंक में आप गए और बैंक में आपने जाके कहा हाँ जी मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है, वो एक फॉर्म देंगे, चलो इस फॉर्म के ऊपर एक फॉर्मेट भर लो, ठीक है ये क्या होता है, ठीक है अरे ये क्या होता है, और आप दूसरी जगह जाएंगे। इवन दो मैंने देखा है कि
कैश की रिसिप्ट होती है, आप कैश जमा करवा रहे हो। बहुत सारे को पढ़े लिखों को भी ये नहीं पता कि कैश की मेमो में जो आप रिसिप्ट मिल रही है आपको बैंक में पैसा जमा करवाना, उसमें क्या डिटेल फिलअप करनी है, ठीक है। हालांकि वो पढ़े लिखे हैं, इंटरमीडिएट उन्होंने किया हुआ है। इंटरमीडिएट समझते हो किसको बोलते हैं? 12th क्लास को बोलते हैं। मीडिएट किसको बोलते हैं? 10th क्लास को बोलते हैं। नया वर्ड है तुम्हारे लिए, मीडिएट और इंटरमीडिएट, समझ रहे हो आपको? तो ऐसे होता है। तो ये क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है। क्या कमी है बच्चों? कि हम शुरू से ही क्रैमिंग पे चलते हैं, हम शुरू से ही कैसे चलते हैं, हम शुरू से ही एक आइडियोलॉजी माइंडसेट बच्चों का तैयार करवा दिया जाता है। स्कूल सिस्टम भी उसमें जिम्मेवार है, एजुकेशन सिस्टम भी उसमें जिम्मेवार है। ये याद कर लो, ये ऐसे कर लो, वे वैसे, कोई बच्चे को क्रिएटिव वर्क नहीं दिया जाता। अब जो है ये 90% बच्चों का यहाँ फेलियर का कारण क्या है, नंबर वन, और रीजन क्या क्या है बच्चों को देखिए। एक रीजन है पुअर वोकैब। क्या है? पुअर वोकैब। अब मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। अगर आपको यहाँ लेटर लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है, कुछ भी लिखना है फॉर एग्जांपल, तो आपको वोकैबुलरी तो चाहिए, यस या नो, सिचुएशन के बेस्ड आपको वर्ड तो चाहिए। वो नहीं आते तो आप क्या करेंगे? सफर करेंगे, आपको दिक्कत आएंगी, यस या नो। अब उसके बाद और क्या है, टेंस की सही नॉलेज न होना, यानी राइट, आपको प्रॉपर और बिल्कुल सही टेंस का ज्ञान नहीं है, सेंटेंस का ज्ञान नहीं है, तो भी आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। और थर्ड जो है, आपका माइंडसेट तैयार नहीं है, आप में क्रिएटिव स्किल्स नहीं है, तो आपको दिक्कतें आएंगी आएंगी। मेन तीन रीजन है, और सबसे मेन रीजन है माइंडसेट का होना। पहली क्लास से ही, फर्स्ट क्लास से ही माइंडसेट तैयार किया जाता है। रट्टाफिकेशन, रट्टा मारो, काम चल जाएगा, ठीक है। अब कितने बच्चों को, अब प्रैक्टिकल सेंटेंस, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, अचानक मुझे पढ़ाते पढ़ाते छींक आ गई और मैं तनिक वहां से चला गया, यानी प्रैक्टिकल सेंटेंस थे। अब कितने ऐसे बच्चे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जो तुरंत इन लाइनों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे? मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चे हैं। तो यस या नो, इसके पीछे मेन कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मेन साइंस क्या है, मेन आइडियोलॉजी क्या है, और मेन थॉट क्या है, मेन फैक्ट्स क्या है, वो बिल्कुल सिंपल है कि भैया रट्टाफिकेशन पे चलते हैं, प्रैक्टिकल उनको ज्ञान नहीं है। आई बात समझ में? ज्ञान क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। ज्ञान क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। क्लियर है? अब मैं इस टॉपिक पे आता हूं। थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया इस टॉपिक से पहले, ठीक है, जो जरूरी डिस्कशन था। आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप वैसे भी आपके माइंड में एक एक चीजें स्टिक कर रही हैं, जैसा मैं बोल रहा हूं। क्या ऐसा नहीं है? क्या ये सच नहीं है? या यही फैक्ट नहीं है, यही कारण नहीं है आपके फेलियर का? अरे यस या नो, यही तो कारण होगा आपके फेलियर का इस टॉपिक में, चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे नोटिस हो, चाहे फिर टाइपिंग हो। इज दैट क्लियर? अब जो देखिए, राइटिंग स्किल्स एंड कंपोजिशन है क्या, तो सबसे पहले राइटिंग को लिखते हैं। तो राइटिंग का मतलब होता है लेखन। क्या होता है? लेखन। उसके बाद स्किल क्या होती है? कला। स्किल क्या होती है? कला या गुण, ठीक है। स्किल क्या होती है? कला या गुण। और उसके बाद कंपोजिशन। कंपोजिशन होता है खुद के द्वारा निर्मित, खुद के द्वारा बनाया गया, खुद के द्वारा बनाया गया। आया समझ में? ठीक है। ऐसी लेखन कला जो खुद के द्वारा बनाई गई हो, ठीक है। रूल तो ये कहता है, और एक्चुअल में नॉलेज ये कहती है, प्रैक्टिकल ज्ञान ये कहता है कि आप एक एप्लीकेशन लिखें और एक एप्लीकेशन मैं लिखूं, टॉपिक दोनों का सेम है, लेकिन अगर हमें नॉलेज है, लाइनें दोनों की डिफरेंट आएंगी। यस या नो?
लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा नहीं होता, तुम्हारे केस में लाइनें एक्यूरेट आती हैं। यस या नो? क्यों आती है एक्यूरेट? क्योंकि रट्टा मार के सीखा हुआ है तुमने, तुम्हें नहीं आता कुछ, तुम्हें तो गाइड ने दिया है, जैसा गाइड कहती है वैसा तुम उसकी मानते चले जाते हो। ठीक है, तुम्हें तो एक्चुअल में जो लाइनें लिखते हो उनकी मीनिंग भी नहीं पता होता कि यहाँ इस लाइन का मीनिंग क्या निकलता है, कोई लेना देना नहीं है, बस चेक दो जल्दी जल्दी। ठीक है, नंबर चाहिए, ऐसे नंबर का कोई फायदा नहीं है, ऐसा टॉपिक है जो जिंदगी भर आपको परेशान करेगा। ठीक है, लेकिन घबराना नहीं, इस टॉपिक को बहुत आसान बना दूंगा, लेकिन आप लोग 100% मेरे साथ मेहनत करें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा ये रहने वाला। तो ऐसी लेखन कला, ऐसी गुण, ऐसा लेखन का गुण जो खुद के द्वारा बनाया गया हो, गुण गुण जो होते हैं अपने अंदर गुण पैदा करने पड़ते हैं, गुण अपने अंदर पैदा करने पड़ते हैं। किसके गुण है यहाँ पे? लेखन कला के गुण है। ठीक है, और लेखन कला के गुण कैसे विकसित होंगे? पहले आपको प्रायोगिक बनना पड़ेगा, अरे यस या नो? आपको रचनात्मक बनना पड़ेगा। गलत कह रहा हूं? आपको जो है जासा जैसे ज्यादा आपको शब्द सीखने होंगे, ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी आपको सीखनी होगी, ज्यादा से ज्यादा वाक्यों आपको सीखने होंगे, टेंसेस के ऊपर आपको अच्छी पकड़े बना के रखनी होगी, प्रीपोजिशन आपको सही ढंग से आना चाहिए, मॉडल का भी आपको करेक्ट यूजेज पता होना चाहिए। और वो गाने में अंतरा नहीं आता, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस गाने में अंतरे की तरह होते हैं, उतार चढ़ाव, इंग्लिश के उतार चढ़ाव वो आपको आने चाहिए, नरेशन आपको आने चाहिए, तो ये टॉपिक आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी विषय दे दें, आप जो उस विषय के ऊपर 110% लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो कंपोजिशन, कंपोजिशन से मुझे याद आया, सॉन्ग होते हैं उनको सिंगर क्या करते हैं? गाते हैं। अरे सिंगर क्या करते हैं? गाने को गाते हैं। सॉन्ग मींस गाना, सिंगर मतलब है गायककार। ठीक है, लेकिन उनको कंपोज कोई और करता है, कंपोज मतलब है बनाने वाला। आया समझ में? ठीक है, अब तुम तो ये सोचते हो कि जिसने जो सॉन्ग गा दिया वो उसका निजी सॉन्ग है, ऐसा नहीं है। उस सॉन्ग के राइटर अलग होते हैं, उस सॉन्ग के स्टूडियो डायरेक्टर अलग होते हैं, और वो क्या होते हैं? कंपोजर होते हैं, गानों के क्या होते हैं? कंपोजर। तो आप इन टॉपिक्स के क्या है? कंपोजर है। ये आपकी अपनी व्यक्तिगत रचना है, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत कार्यशैली है। समझ में आ रही है मेरी बातें, मैं क्या कह रहा हूं? राइटिंग स्किल्स एंड कंपोजिशन के टॉपिक को, यानी जितना मैटर बनाना है, कैसे बनाना है? खुद के द्वारा बनाना है। और कैसे? अपने अंदर गुणों का विकास करके। कैसे गुणों का विकास करके? भैया नंबर वन, सबसे पहले माइंडसेट को चेंज कर लीजिए, रटाफिकेशन छोड़ दीजिए, क्रैमिंग छोड़ के अपने वोकैब पावर को बढ़ाओ, अपने टेंस के ज्ञान को बढ़ाओ, अपने सेंटेंस के ज्ञान को बढ़ाओ। भैया नंबर टू, आपको रचनात्मक शैली सीखनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे विचार अपने दिमाग में लाने पड़ेंगे सिचुएशन के ऊपर रहकर। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आप टॉपिक की अच्छे से क्या कर सकते हैं? ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप एक्चुअल में लेटर क्या करते हैं? ड्राफ्ट करते हैं। ड्राफ्ट मतलब है बनाते हैं, ड्राफ्ट मतलब है बनाते हैं। क्लियर है? अब आगे सीखते हैं, और अब सीखते हैं एप्लीकेशन और लेटर जो सबसे पहले आता है। राइटिंग स्किल एंड कंपोजिशन के अंदर कितने टॉपिक शामिल हैं वो क्लियर कर दूं आपको। तो बच्चों, राइटिंग स्किल्स एंड कंपोजिशन के अंदर कोई एक टॉपिक नहीं है, बहुत सारे टॉपिक हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन से शुरुआत हो जाती है।
ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक हुआ यहाँ पे। उसके बाद नंबर दो टॉपिक कौन सा है, लेटर राइटिंग है। अब ये कहोगे सर एप्लीकेशन लेटर ये दोनों अलग अलग है बेटा, ठीक है। उसके बाद नंबर तीन क्या होता है, नंबर तीन होती है पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग को क्या बोलते हैं, ऐसे राइटिंग भी बोलते हैं। पैराग्राफ राइटिंग को क्या बोलते हैं, ऐसे राइटिंग भी बोलते हैं। राइट एन ऐसे ऑन दिस टॉपिक, ठीक है, या राइट ए पैराग्राफ ऑन दिस टॉपिक, क्लियर है। उसके बाद नोटिस, उसके बाद रिपोर्ट, उसके बाद नोटिस रिपोर्ट, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद और क्या होता है, नोट मेकिंग, उसके बाद प्रीशियस राइटिंग, उसके बाद और कौन से टॉपिक आपके शामिल हैं, आपके पोस्टर मेकिंग, क्या मेकिंग है, पोस्टर मेकिंग, उसके बाद आपकी डायलॉग राइटिंग, ठीक है, डायलॉग राइटिंग, उसके बाद आपका मैसेज। ये बहुत सारे टॉपिक हैं किसके अंदर, अरे किसके अंदर है, राइटिंग स्किल्स एंड कंपोजिशन के अंदर है। यानी आपको डायलॉग राइटिंग भी आनी चाहिए, आपको मैसेज लिखना भी आना चाहिए, आपको एडवर्टाइजमेंट भी आनी चाहिए, आपको नोट मेकिंग भी आना चाहिए, आपको प्रीशियस राइटिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको पोस्ट मेकिंग भी आना चाहिए, आपको नोटिस आना चाहिए, आपको रिपोर्ट आनी चाहिए, आपको पैराग्राफ राइटिंग आनी चाहिए, आपको लेटर आना चाहिए, आपके एप्लीकेशन आना चाहिए। ये वो मेन टॉपिक्स हैं जो नोटिस, जो आपको राइटिंग स्किल्स एंड कंपोजिशन के अंदर प्राथमिकता पर रखे जाते हैं, ठीक है, आपको प्राथमिकता पर मिलते हैं। यानी प्राइमरी स्टेज सबसे पहले फ्रंटियर में आपको यही टॉपिक नजर आएंगे। कौन से टॉपिक बच्चों, एप्लीकेशन लेटर, पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस रिपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, डायलॉग राइटिंग, मैसेज, प्रीशियस राइटिंग, पोस्टर मेकिंग। आपसे कोई पूछ ले तो ये किसके टॉपिक हैं, राइटिंग स्किल्स एंड कंपोजिशन के टॉपिक हैं। और हमेशा याद रखना, पेपर कोई भी हो, चाहे बोर्ड का हो चाहे नॉन बोर्ड का हो, आपको टीचर ने हमेशा एक सेक्शन बी, अगर सही ढंग से पेपर ड्राफ्ट हुआ है ना, सेक्शन बी और उसमें लिखा मिलेगा राइटिंग स्किल्स एंड कंपोजिशन। अभी चेक कर लो अगर इस चीज में कोई डाउट है तो, ठीक है, ये सारी चीजें रहती हैं। अब सबसे पहले हम सीखते हैं एप्लीकेशन या लेटर को, ठीक है, एप्लीकेशन या फिर लेटर, एप्लीकेशन या लेटर। हाँ भाई, लेटर क्या होता है, लेटर को हिंदी में बोलते हैं पत्र लेखन, क्या बोलते हैं, पत्र लेखन। और उसके बाद यहां एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन एक्चुअल में अपील होती है, क्या होती है, अपील होती है, ठीक है, अपील समझते हो, अपील क्या होती है, अपील के अंदर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील के अंदर आप जस्टिस मांग सकते हैं, न्याय जिसको आप कहते हो, अरे जस्टिस मांग सकते हैं। अपील के अंदर आप अपना यानी अपना क्या, इंडिविजुअल, ठीक है, आपका पर्सनल जो है, पर्सनल जो आपका जो भी राइट है, जो भी आपका पर्सनल राइट है,
उसकी आप डिमांड कर सकते हैं, उसकी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे डिमांड कर सकते हैं, पर्सनल राइट, यानी पर्सनल राइट आपका निजी अधिकार, ठीक है। अपील के अंदर, अपील के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं? अरे अपील क्या होती है, प्राइमरी स्टेज होता है अपील का, आई बात समझ में, प्राइमरी स्टेज होता है किसका, अपील का, अपील दलील, समझ लियो, समझ रहे हो आप मेरी बात को। एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन को एक्चुअल में बोलते हैं, इसका जो रियल मीनिंग निकल के आएगा ये अपील का माध्यम है, ठीक है, किसका माध्यम है, अपील का माध्यम है। और ये जो होती है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होती है, ये अपील जो है बेटा वो क्या होती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होती है, यानी पर्सन इज इक्वल टू पर्सन चलती है, ठीक है। जैसे आप जो है राहुल हैं, तो आप जो है आपको प्रिंसिपल को जो है आपके स्कूल में आपकी क्लासेस जो है मैथ्स की ढंग से नहीं आ रही हैं, फेल होने का खतरा है, तो आप तुरंत जो है एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एक अपील करेंगे किससे, प्रिंसिपल से, श्रीमान जी एक टीचर जो है मैथ्स का तुरंत हायर करके दीजिए, नहीं तो फेल होने की कगार में है, समस्या बहुत गहरी है। आपने क्या किए, अपील की, क्या की आपने, अपील की, पर्सन टू पर्सनल यानी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, आपकी व्यक्तिगत अपील थी ये किस व्यक्ति को, प्रिंसिपल को, वो भी क्या है, एक व्यक्ति है, आया समझ में, आया समझ में, यानी पर्सनल टू पर्सनल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अपील होती है एप्लीकेशन के अंदर। आज तक तुम्हें नहीं पता होगा कि एप्लीकेशन और लेटर के अंदर है क्या फर्क होता है, एप्लीकेशन और लेटर के अंदर दिन रात का फर्क होता है, ठीक है। आप ये समझते हो छोटे बच्चे एप्लीकेशन लिखते हैं, बड़े बच्चे लेटर लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बड़े बच्चों को भी एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है और छोटे बच्चों को भी लेटर लिखना पड़ सकता है, यानी एप्लीकेशन और लेटर जो है ये किस पे होते हैं, ये सारे के सारे बेटा जितना भी राइटिंग स्किल्स एंड कंपोजिशन है, राइटिंग स्किल एंड कंपोजिशन है, वो सिचुएशन बेस्ड होता है, कैसे होता है, सिचुएशन बेस्ड होता है, स्थिति के अनुसार होता है। हालात आपको बताए जाते हैं कि हालात ये हैं, इसके ऊपर बढ़ा के दिखाओ अब, ठीक है, यानी सिचुएशन बेस्ड टॉपिक है, आई बात समझ में। अब फॉर एन एग्जाम्पल, यानी आपको महारत एप्लीकेशन कामयाब नहीं है, फॉर एन एग्जाम्पल बस दिमाग में आपके आइडिया होते हैं, जैसे एक कहानी है कोई, एक मूवी है, और मूवी में आपको एक सीन दिया गया है, सीन क्या है कि सामने जो है आपके लाश है, फॉर एग्जाम्पल जिंदा लाश है, भूत है, ये मान के चलिए, तो आप कैसे रिएक्शन देंगे, अरे आप कैसे रिएक्शन देंगे। अब जनरली हमारे दिमाग में पहली चीज ये आएगी, भूत और जिंदा लाश को देखकर तो हमें डर लगेगा, ठीक है, और हम डरने की एक्टिंग करेंगे, यस या नो, सिचुएशन तो यही कहती है, यस या नो, लेकिन आप सिचुएशन के अनुसार कितने उस रोल में घुस पाते हैं, कितने उस रोल को अदा कर पाते हैं, कितना आप सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल पाते हैं, कितना आप अपने अंदर आप अपने डर को एक्सप्रेस कर पाते हैं, यही तो देखने वाली बात है। यस या नो, आप कहते हो इस मूवी में सलमान खान ने बकवास रोल किया, बहुत बकवास रोल किया, क्यों, क्योंकि वो अपनी सिचुएशन के अनुसार बढ़िया एक्टिंग नहीं कर रहा था। ये वैसे ही टॉपिक है राइटिंग स्किल्स एंड कंपोजिशन के अंदर, जहां सिचुएशन के अनुसार आपको अपनी लाइनें, आपको अपने सेंटेंसेस की धार दिखानी होती है। आई बात समझ में। दो बच्चे एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एक मैं लिख रहा हूं, एक आप लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल, और आप अपनी दहाड़ दिखा रहे हो और मैं अपने शब्दों की दहाड़ दिखा रहा हूं। एक बच्चे ने कहा सर प्लीज जो है
सर प्लीज क्लास लगा दीजिए, ये तो एप्लीकेशन थी आपकी नॉर्मल, आपने अपील की। और दूसरा बच्चा कह रहा है सर ठीक है, दूसरे बच्चे ने प्रैक्टिकल दो लाइनें डाल दी, सर मैं हर महीने पैसा जमा करवाता हूँ सर ठीक है, और बड़ी मुश्किल से सर पैसा आता है, बड़ी मुश्किल से मेरे पापा पैसा कमाते हैं, आज सर मेरी क्लास नहीं आती, मैं फेल हो जाऊंगा तो अपने घर वालों को क्या शक्ल दिखाऊंगा सर, और क्या आप जवाब देंगे। अरे बात समझ में आई, आपने अपने शब्दों की धार दिखा दी, रात तो रात प्रिंसिपल कहीं से एडजस्टमेंट करे करनी पड़ेगी, समझ रहे हो मेरी बात को, ये आर्ट है, ये कला है, इस कला को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा ठीक है। तो अब जो है ये अपील है, अब लेटर क्या है, पत्र लेखन। अब पत्र लेखन बहुत वास्ट होता है, क्या होता है बेटो, वास्ट होता है ठीक है, वास्ट मतलब बड़ा, वाइटल, वास्ट मतलब है बड़ा, इसमें चैंबर आ जाते हैं, इसमें पार्टीशंस आ जाते हैं। पार्टीशन कैसे भाई, पर्सनल लेटर अलग है, पीएल जिसको कहते हैं वो पर्सनल लेटर, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आ जाएंगे कंप्लेंट लेटर अलग है, उसके बाद फिर क्या आ जाएंगे बिजनेस लेटर अलग है भाई, आई बात समझ में। उसके बाद अब पर्सनल लेटर में क्या आ गया, पर्सनल लेटर में आपकी ग्रीटिंग आ गई, क्या आ गई, ग्रीटिंग आ गई ठीक है। अरे ग्रीटिंग है समझते हो, एक दूसरे को बधाई देना, एक दूसरे को शुभकामनाएं देना। उसके बाद इसमें क्या आ गया, आपका कंडेम आ गया, यानी आपकी सांत्वना आ गई, निंदा आ गई एक दूसरे की, मैंने तुम्हें भाई बैड कंपनी से के लिए अवॉइड किया था और तुम फेल हो गए, क्या किया तुमने ये, आई बात समझ में। जब पुराने जमाने के अंदर आज तो व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ये चलते हैं, दो मिनट में किसी के पास मैसेज छोड़ो अगले के पास पहुंच जाता है। पुराने टाइम पे देखा है तुम लोगों ने, पत्र आते थे, चिट्ठी जिसको कहते हैं ठीक है, कुछ चिट्ठी ना कोई संदेश ठीक है, जाने तुम कहां चले गए, ये गजल भी है प्रसिद्ध। तो वो चिट्ठी आती थी, वो क्या होते थे, पर्सनल लेटर होते थे, समझ रहे हो मेरी बात को, चिट्ठी आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, एक्चुअल में वो क्या होते थे, पर्सनल लेटर होते थे, क्योंकि उस जमाने में संचार का, कम्युनिकेशन का एक ही माध्यम था, क्या था भाई, लेटर। आई बात समझ में, एप्लीकेशन नहीं चलती उसके लिए, क्या चलती, लेटर चलता, आई बात समझ में। तो पर्सनल लेटर, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन से लेटर, ऑफिशियल लेटर, क्या लेटर है, ऑफिशियल लेटर। तो ऑफिशियल लेटर में क्या आता भाई, कंप्लेंट आ सकती है, इंक्वायरी आ सकती है, क्या आ सकती है, इंक्वायरी आ सकती है, कोई भी किसी टाइप की इंक्वायरी आ सकती है, यस या नो, कंप्लेंट आ सकती है, और कोई ऑफिशियल काम आ सकता है, कोई ऑफिशियल ऑर्डर आ सकता है, क्या आ सकता है, ऑर्डर आ सकता है कोई सरकार का, तो किस लेटर में आएगा, ऑफिशियल लेटर में आएगा, कोई नया फरमान आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज से मान लीजिए हरियाणा के अंदर लॉकडाउन सरकार लगाने जा रही है, मान के चलिए एक बार ठीक है, तो क्या करेगी सरकार, क्या करेगी सरकार, अपनी तरफ से एक ऑफिशियल लेटर जारी करेगी, किसको जारी करेगी भाई, ऑफिशियल लेटर जारी करेगी सरकार डीसी को, सेक्रेटरी को, समझ रहे हो मेरी बात को, यानी सरकार तुरंत एक ऑफिशियल लेटर भेज देगी, हाँ भाई कल से हरियाणा में ये रेस्ट्रिक्शन रहेंगे और ये फॉलो करवानी, आगे समझ में, अरे यस या नो, कैसा लेटर है वो, ऑफिशियल लेटर है। उसके बाद नंबर थ्री आ गया बिजनेस लेटर। अब बिजनेस लेटर के अंदर क्या होता है, बिजनेस लेटर में होता है भाई बिजनेस, बिजनेस मतलब व्यवसाय, व्यवसाय के अंदर काम धंधे के अंदर जो लेटर यूज किए जाते हैं उसको बिजनेस लेटर बोलते हैं। बिजनेस लेटर में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले जैसे मान लो ऑर्डर लगाना है, ऑर्डर समझते हो, कैसा ऑर्डर है, माल का ऑर्डर ठीक है, मेरी कंपनी है प्लाईवुड की कंपनी है मेरी, और मुझे जो है बड़े प्लाईवुड कंपनी से कोई फैक्ट्री से माल मंगवाना है, तो मैं अपना जैसे नहीं लिखा होता, अरे नहीं लिखा होता क्या, एमएस रामलाल एंड सन्स, वो उनकी फर्म का नाम है, समझते हो, तो आप अपनी फर्म के थ्रू क्या लिखेंगे, एक लेटर लिखेंगे, हाँ श्रीमान जी इतना इतना ये सामान भेज देना, आपको चेक मिल गया इसका एडवांस, बाकी पेमेंट भेज देंगे, आगे समझ में, कैसा लेटर है,
बिजनेस लेटर है। उसके बाद नंबर दो क्या है, ये तो ऑर्डर का था, अब इंक्वायरी है। इंक्वायरी किस चीज की, क्वोटेशंस की। हाँ भाई किसकी, क्वोटेशंस। क्वोटेशंस समझते हो क्या होता है, मोल भाव करना। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए, हाँ भाई आपको जो है नई नई दुकान खोली, आपने पेंट की दुकान खोली है, पेंट की, और आपको जो है नेरोलैक, एशियन पेंट, ये सब चीज का दामों का रेट पता करना है, ठीक है। तो आप अलग अलग पार्टियों को, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर को क्या लिख देंगे, लेटर देख देंगे, ठीक है। रे एमएस कालिया रंग वाला, ठीक है, आपकी मान लीजिए फर्म का नाम कहिए, ठीक है, एमएस कालिया रंग वाला, ठीक है, आपकी फर्म का नाम है, आपने अपनी फर्म से लेटर भेज दिया, क्वोटेशन मांग ली। हाँ भाई इतना इतना सामान चाहिए। हाँ भाई मैं किससे सामान मंगवाऊंगा, जो सबसे सस्ता देगा। यस या नो, रेट तो सबका मार्केट में पता करना पड़ेगा, तो उसको कैसा लेटर बोलते हैं, इंक्वायरी लेटर। किस टाइप में आएगा, बिजनेस लेटर में आएगा। उसके बाद अब आगे कंप्लेन, बिजनेस में कंप्लेन भी होती है। जैसे मान लीजिए आपने कल जो है कोई स्कूटर खरीद लिया, हाँ थैंक यू बेटा एंड सेम टू यू। उसके बाद अब मान लीजिए आपने कोई स्कूटर खरीद लिया, आजकल ये इलेक्ट्रिकल स्कूटर चलते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलते हैं, यस या नो है। उसके बाद आज लेके आए, नई गाड़ी खरीदी आपने, आज नया स्कूटी खरीदी, और रात को ही उसकी बैटरी फट गई, ठीक है। अब अभी पैसे दे के आए हो और इतना भारी लॉस हो गया, 1,00,000 रुपए की आती है, तो अगले दिन आप क्या करेंगे, कंप्लेन लेटर लिखेंगे। किसको, कंपनी को, कि अपना ये जो आपकी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल था, आपकी जो स्कूटी थी, ये ऐसे ऐसे ये हो गई, बड़ा ही घटिया प्रोडक्ट था, ठीक है, और मैं जो है मेरा नुकसान हुआ वो हुआ, और मैं अपनी राशि तुरंत प्रभाव से वापिस आता हूँ, या मेरे को नई दो, ठीक है, अरे नई स्कूटी दो, नया पीस दो, वारंटी के अंदर था। आई बात समझ में, तो आप कैसे, ये कैसा लेटर आ गया, कंप्लेंट लेटर आ गया, ठीक है। अब बताता हूं अगली बात, जो मेन बात है, ठीक है, आप कैसे लेटर को लिखें और कैसे एप्लीकेशन को लिखें, और इसके अंदर कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या होगा। अब सबसे पहले आपको देखना है A4 साइज पेज होता है भाई, क्या होता है, A4 साइज पेज होता है, ये A4 साइज पेज आपका A4 है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पहले क्या चलते थे, पहले हम चलते थे, ये राइट एंगल है और ये लेफ्ट एंगल है, ठीक है, ये R है, ये L है। तो पहले क्या चलते थे हम, एप्लीकेशन के अंदर, लेटर के अंदर, पहले हम चलते थे राइट से शुरू होके लेफ्ट में जाते थे, और लेफ्ट से फिर वापस से राइट पे आते थे, और फिर यहां यहां, और फिर वापस आके किस में कंप्लीट कर देते थे, 2 मिनट सर। उसके बाद कहां कंप्लीट कर देते थे भाई, आके लेफ्ट में ही कंप्लीट कर देते थे। Yes या no? Yes, sir. अब नया पैटर्न क्या कहता है, नया पैटर्न ये कहता है आपको R is equal to R ही रहना पड़ेगा, यानी राइट टू राइट ही चलना पड़ेगा। अगर आप यहां से शुरू कर रहे हो तो यहां से नीचे आओ, यहां से नीचे आओ, यहां से नीचे आओ, और इसको कंप्लीट भी यहीं पे करो, आपको वहां पर नहीं घुसना, आपको रॉन्ग एंट्री नहीं करनी, क्योंकि इधर अब नो एंट्री है। आई समझ में, नए रूल्स के अकॉर्डिंग और नए आपके लैंग्वेज के रिकमेंडेशन जो होती है, लैंग्वेज का नया जो कॉन्सेप्ट है उसमें यही बात है कि आप राइट टू राइट लेटर को या एप्लीकेशन को फ्रेम करें, क्लियर है। अब जो है एक लेटर हो, एक एप्लीकेशन हो, अल से लेटर है, ए से एप्लीकेशन है, कितने पार्ट होते हैं भाई। तो सबसे पहले लेटर और एप्लीकेशन के, आज तक आपको नहीं पता, वो बताने वाला हूं कितने पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है द हेडिंग, द हेडिंग, हेडिंग ये पहला पार्ट होता है भाई किसी भी लेटर एप्लीकेशन का, द हेडिंग, ठीक है। उसके बाद नंबर टू क्या होता है बेटा, नंबर टू होता है द डेट, क्या होता है द डेट। उसके बाद नंबर थ्री क्या होगा, द एड्रेस, द इनसाइड एड्रेस, द इनसाइड
एड्रेस, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या रहेगा, नेक्स्ट क्या है, नंबर फोर, नंबर फोर रहेगा आपका द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा बेटा आपका, नेक्स्ट रहेगा द सैल्यूटेशन, द सैल्यूटेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा बेटा आपका, द बॉडी। और नेक्स्ट क्या रहेगा आपका बेटा, नेक्स्ट रहेगा द एंडिंग। और नेक्स्ट क्या रहेगा बेटा आपका, नेक्स्ट रहेगा द सब्सक्रिप्शन, द सब्सक्रिप्शन। ये आपके पार्ट होते हैं एक एप्लीकेशनल लेटर के अंदर, ठीक है। लास्ट होगा द सब्सक्रिप्शन, और सबसे पहला होगा द हेडिंग, द डेट, द एड्रेस, द इनसाइड एड्रेस, द सब्जेक्ट, द सैल्यूटेशन, द बॉडी, द एंडिंग, द सब्सक्रिप्शन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक पार्ट से आपका लेटर या एप्लीकेशन क्या होगा बच्चों, फ्रेम होगा। भाई बात समझ में। अब सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आएगा द हेडिंग। हेडिंग क्या लिखते हैं आप, टू द प्रिंसिपल, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिखते हो या एड्रेस लिखते हो, यस या नो। उसके बाद यहाँ डेट आएगी, उसके बाद यहाँ लेटर में एड इनसाइड एड्रेस आएगा, एप्लीकेशन में नहीं लिखा जाता, यस या नो। उसके बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आएगा, आप देखिए द हेडिंग क्या है, आपका नाम है रामलाल, ठीक है, और आप कहाँ रहते हैं, 15 बसंत कुंज में रहते हैं, बसंत कुंज, ठीक है, कहाँ पड़ता है, हिसार के अंदर पड़ता है। ये आपका क्या आ गया, द हेडिंग आ गई। अब है आपका क्या, अब आपको डेट लिखनी, एक लाइन छोड़ दीजिए, अब आ गई डेट, डेट है आज की, मान लीजिए 31 दिसंबर 2021। हाँ, ये आखिरी दिन है इस साल का, और आप सबको विश यू आर वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, इन एडवांस, आपका ये नया साल अच्छा जाए यही उम्मीद और कामना करता हूँ। लेकिन हाँ, अभी नेक्स्ट है 31 दिसंबर 2021, एक लाइन फिर ब्लैंक आएगी, अब आ जाएगा द इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस किसको पता लिखना है, हाँ भाई, टू द सीएम हरियाणा, उसके नीचे नाम लिख दीजिए, उसका एड्रेस क्या है, हाँ भाई, 16-12 मार्ग चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद नीचे एक लाइन छोड़ दीजिए, क्या देगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, हाँ भाई, मैंने कोई एफआईआर करवाई थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रहा फॉर जस्टिस, ठीक है, मेरा ये सब्जेक्ट है। उसके बाद नीचे आ गया सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन क्या होता है, हाँ भाई, रेस्पेक्टेड सर मैडम लिखते हो, इसको सैल्यूटेशन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से बच्चे शुरू करते हैं, वी डू रिस्पेक्ट, आई वांट टू से दैट, यस या नो, यस सर, वो आई वांट टू स्टेट माय इंफॉर्मेशन दैट, ये क्या होता है भाई, द बॉडी होता है, क्या होता है, द बॉडी, सबसे मेन पार्ट होता है एक लेटर एप्लीकेशन का। उसके बाद नीचे आ जाएगा, हाँ भाई, थैंकिंग यू, नीचे क्या आ जाएगा, थैंकिंग यू, क्या है ये, एंडिंग आती है, और उसके बाद योर्स ओबीडिएंटली, योर्स फेथफुली, ये क्या होगा, द सब्सक्रिप्शन होगा, क्लियर है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, ये क्लास आगे भी कंटिन्यू रहेगी इस वास्ट टॉपिक के ऊपर, और ये टॉपिक आपको बहुत आसानी से मैं सिखाऊंगा। फिलहाल इस क्लास में इतना ही, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।